अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जायका विद खुशी। आज हम आप लोगों के साथ मेथी के पराठे की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस पराठे हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बंच मेथी लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से साफ करके कट कर लेंगे। इन्हें रफली कट करना है। उसके बाद इन्हें बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हाफ कप पानी ऐड करेंगे और उसमें ही इसे बॉईल कर लेंगे। पानी इतना ऐड करना है कि इसी पानी से हम बाद में आटा भी गूंद लें। 2 मिनट में ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगी। जब तक हम आटा लेते हैं, यहाँ पर हम गेहूं का आटा ले रहे हैं, ये हमने 2 कप लिया है। साथ ही कुछ मसाले लेंगे, नमक, हरी मिर्च, अजवाइन, जीरा और चिली फ्लेक्स। ये सारे मसाले हमने 1 टीस्पून लिए हैं। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग लीजिए। इन्हें भी आटे में ऐड करेंगे। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज की फाइनली चॉप प्याज ऐड करेंगे। अब जो मेथी बॉईल की है उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इन्हें हाथों से मैश करते हुए गूंदना है और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसे मिक्स करते हुए एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। ये डो नरम सा होना चाहिए। अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल स्प्रेड करेंगे और इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से रख देंगे। अब ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है, तो अब हम इसके पराठे बनाएंगे। पराठे बनाने के लिए एक स्मॉल पोर्शन लेंगे और उसे पेड़े बना लेंगे। इस तरह से हम छोटे छोटे पेड़े बना के रख लेंगे। अब सरफेस पे थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसे बेल लेंगे। इसे रोटी की तरह बेलेंगे, ना ही बहुत मोटा बेलेंगे और ना ही बहुत पतला। इस तरह से बेलने के बाद अब हम इसे सेक लेंगे। जब ये एक साइड से हल्का सेक जाएगा तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने से पहले हम इसके ऊपर घी लगाएंगे और उसके बाद साइड चेंज कर देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर ही हम पकाएंगे। इसे स्पैचुला से दबाते हुए सेकेंगे ताकि ये क्रिस्पी सा बने। अब ये पराठा अच्छी तरह से सेक चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी के भी पराठे तैयार कर लेंगे। ये पराठे बहुत ही हेल्दी हैं, खास करके वो बच्चे जो सब्जियां नहीं पसंद करते हैं। हम उन्हें इस तरह से सब्जियां ऐड करके पराठे बना के दे सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए भी ये पराठे बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो इसी तरह से हमारे सारे पराठे बन चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसे हम दही और सॉस के साथ सर्व कर रहे हैं। आपको जो सॉस पसंद हो आप उसके साथ सर्व कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब इस तरह से बनाइए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।